बिलासपुर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश धरोच ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग प्रणाली शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ये टेस्टिंग प्रणाली कोरोना बीमारी के खिलाफ लड़ाई में बहुत काम आएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जरिए नाक में एक पतली सी नली से सैंपल लिया जाता है और नाक से लिए गए उस लिक्विड को टेस्ट किट में डाला जाता है और ये किट थोड़ी ही देर में बता देगी कि जिसका सैंपल डाला गया है वो कोरोना वायरस से संक्रमित है कि नहीं। उन्होंने बताया कि ये उसी तरह होता है जैसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए किट तैयार की गई है। सैंपल लिक्विड डालने के बाद दो रेड लाइन आती है तो इसका मतलब है कि कोरोना व्यक्ति पॉजिटिव है और एक लाइन आती है तो कोरोना नेगेटिव है। फिर भी नेगेटिव वाले लोगों में अगर फ्लू संबंधित लक्षण हैं तो उन्हें दूसरे RT-PCR टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं। इस रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट के लिए मरीज को अब एक या दो दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसकी रिपोर्ट मात्र 10 से 15 मिनट के बीच ही आ जाती है। उन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति के सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वे समुदाय में नहीं जाएंगे और होम क्वारंटाइन में रहेंगे। अगर कोई भी इसकी अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर प्रकाश धरोच ने बताया कि जिस भी व्यक्ति के सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है वो समुदाय में ना जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट सरकार की तरफ से अभी कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आए लोगों के लिए ही अपनाया जा रहा है जिनको फ्लू संबंधित लक्षण पाए जाते हैं या बिना लक्षण के लोग जिनमें सांस की दिक्कत, हृदय संबंधित रोग, गुर्दे संबंधित रोग, शुगर, कैंसर आदि से ग्रसित लोग और हेल्थ के फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिनको कोरोना संक्रमण की संभावना ज्यादा रहती है उनके लिए इनकी इजाजत दी गई है। जल्दी COVID-19 के की पॉजिटिव या जो नेगेटिव है उसका रिजल्ट आ जाता है। उस तकनीक का हमने 3 दिन से डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में शुरू कर दिया गया और उस तकनीक का नाम रैपिड एंटीजन टेस्ट डिटेक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है या उसको अगर शॉर्ट में बोलें तो रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। और अभी तक हमने पिछले कल तक आज की रिपोर्ट अभी तक कंपाइल होना बाकी है 67 जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से इसमें टेस्ट किए और इनमें से 2 घुमारवीं से, 1 झुमका ब्लॉक से और 5 आर्ज बिलासपुर से पॉजिटिव पाए गए। और एक बहुत अच्छी तकनीक है और जैसे मैंने आप पहले से निवेदन किया है कि जितने भी आपके कंटेनमेंट जोन में, जितने भी आपके क्वारंटीन फैसिलिटीज में, जितने भी आपके सर्जरी में जिनकी एमरजेंसी सर्जरी होनी या वैसे रूटीन सर्जरी होनी है उन लोगों को लंबा इंतजार न करना पड़े, उनको किसी बीमारी में किसी की और जटिलता ना आए, इस सभी को मद्देनजर रखते हुए ये टेस्ट हमने बिलासपुर में शुरू कर दिया है।